हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीडी डिपार्टमेंट में जो क्लर्क रिक्रूट होते हैं, यानी कि एसएससी से जो सीएचएसएल एग्ज़ाम देके जो क्लर्क रिक्रूट होते हैं सीजीडी डिपार्टमेंट में, उनके प्रमोशन के बारे में। देखिए, सीजीडी डिपार्टमेंट के बारे में मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, जिनमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो एलडीसी रिक्रूट होते हैं सीजीडी डिपार्टमेंट में एसएससी सीएचएसएल के थ्रू, उनका प्रमोशन सीजीडी डिपार्टमेंट में दो तरीके से होता है। पहला जो प्रमोशन होता है उसको हम रेगुलर प्रमोशन बोलेंगे, ठीक है। और ये प्रमोशन नॉर्मली जैसे आप रिक्रूट हुए, आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, उसके बाद जब आपकी कंटिन्यूस 8 ईयर की सर्विस हो जाती है डिपार्टमेंट में, तो आप लेवल 2 से प्रमोट कर दिए जाते हैं डायरेक्ट लेवल 5 में, ठीक है। यानी कि आप ग्रेड पे 1900 से डायरेक्ट यहाँ पे 2800 ग्रेड पे में आ जाएंगे, जब आपकी 8 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा तरीका है एक एलडीसी का प्रमोट होने का, वो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम यहाँ पे दो तरीके की होती है। पहला जो है वो क्लर्क टू क्लर्क या एमटीएस से ऑडिटर की एग्ज़ाम होती है, और दूसरा है एसएएस, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स क्लर्क टू ऑडिटर की एग्ज़ाम का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी सीजीडी की साइट पे एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें एलडीसी या फिर एमटीएस जो कि ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, ठीक है, और जिनकी 3 साल की रेगुलर सर्विस डिपार्टमेंट में हो चुकी है, चाहे वो एमटीएस हो या फिर एलडीसी हो, वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। वो एक एग्ज़ाम देके डायरेक्ट ग्रेड पे 2800 की जॉब पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत कम डिपार्टमेंट हैं जिनमें एग्ज़ाम की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और रेगुलर बेसिस पे मिलती है। ये एग्ज़ाम हर 4 साल में कंडक्ट करवाई जाती है। लास्ट एग्ज़ाम 2018 में हुई थी, जिसमें मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। मैं इस डिपार्टमेंट में एलडीसी आया था, मैंने 2018 में एग्ज़ाम दिया था और उसी एग्ज़ाम से मैं ऑडिटर प्रमोट हुआ था, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। आज 22 तारीख की डेट का 22 तारीख 22 मार्च 2022 का साइंड एक लेटर अपलोड हुआ है साइट पे, 23 मार्च 2022 को। इसका सब्जेक्ट हम देख सकते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ग्रेजुएट क्लर्क एंड ग्रेजुएट एमटीएस टू ऑडिटर ग्रेड, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम है 2 जून 2022 को होनी है। टोटल 3 घंटे का पेपर रहेगा। साइट पे ये पीडीएफ अपलोड है, आप जाके एक बार डिटेल में चेक कर सकते हैं। अगर आप सीजीडी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी और इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो दो सेक्शन में ये एग्ज़ाम होता है। पहला सेक्शन 100 मार्क्स का होता है और सेकेंड जो सेक्शन होगा वो 50 मार्क्स का होगा। क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60 मार्क्स लाने होंगे, और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एससी या एसटी से, तो आपको 55 मार्क्स लाने होंगे इसमें क्वालिफाई करने के लिए। तो ये पेपर किस तरीके से आप पास कर सकते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं और ये एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, और अगर आप इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी डिटेल में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम दी है और सच बताऊँ तो बहुत कम टाइम में, इवन शायद 1 वीक पढ़ाई करके मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कि थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, और ये गाइड जरूर करूँगा कि क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने देखा था बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ रहे थे और वो क्लियर नहीं कर पाए, और मैंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी बहुत कम टाइम में मैं ये एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स के, मैंने 93 मार्क्स स्कोर किए थे, तो ठीक ठाक मार्क्स से मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गया था। इस एग्ज़ाम के लिए जो मेन बुक आपको पढ़नी पड़ेंगी वो है डिफेंस अकाउंट कोड, डिफेंस ऑडिट कोड और OM Part 1 और OM Part 2। अगर ये 4 बुक भी अगर आपने पढ़ ली तो आप डेफिनेटली ये एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सीजीडीए की साइट पे आपको जो ओल्ड सिलेबस है उसके प्रीमियर एग्ज़ाम के
पेपर अपलोड किए हुए मिल जाएंगे। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से कवर कर लेते हैं, ये जो अपलोडेड पेपर हैं इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छे से कर लेते हैं, तो भी आप बड़े आराम से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर मेरा एक्सपीरियंस अगर आपको जानना है कि किस तरीके से मैंने तैयारी की थी, कैसा एग्ज़ाम का माहौल रहता है, कितने दिन बाद इसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के कितने दिन बाद मुझे प्रोविजनिंग मिली, मतलब रिजल्ट पब्लिश तो हो गया, उसके बाद में ऑडिटर कब बनाया गया। लास्ट 2018 में ऑडिटर दो बैच में बनाया गया, कुछ ऑडिटर्स को मार्च में प्रोविजनिंग दे दी थी और हमें शायद मई या जून में शायद हमें प्रोविजनिंग मिली थी। तो ये इसके बारे में कुछ और डिटेल में जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।